हम इनके विपक्ष में 10 साल लगातार रहे। इधर भूषण बाबू जी हैं जुवास से, धीरादार से पंकज जी हैं, विपक्ष में रहते हुए इनका व्यवहार हमको जीत लिया, ठीक ना। कभी भी कोई भी जनता अगर इनको कभी रात अधिरात कभी बुलाएगा प्रेजेंट होते हैं। ऐसा ही मुखिया हो। शिक्षा और स्वास्थ्य अगर बात कर लें। IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IVTV, मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। हम अभी पंचायत में मौजूद हैं और यहां पर मुख्य प्रत्याशी के तौर पर मिनी देवी जी हैं। और आपको यहां ये बताते हैं कि हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, स्थानीय निवासी मौजूद हैं यहां पर मुख्य प्रत्याशी के पति समाज सेवी पिंटू जी भी मौजूद हैं। सर, 15 साल तक आप मुखिया देखते रहे, विकास के कई दावे आपने किए हैं, आप विकास की बातें भी की जा रही है, इस क्षेत्र में कई विकास हुआ है, क्या लगता है जनता का कितना समर्थन है? पूरा समर्थन है। इस बार भी लगता है कि पिछली बार की तरह भी जनता जो है आपको भरपूर सहयोग देगी, और इस बार भी आप जो उम्मीद कर रहे हैं वो उम्मीद पे आपको उम्मीद से ज्यादा इस पर भरोसा है। 3 चुनाव लड़े, सबसे ज्यादा विकास की बातें हो रही हैं सर, तो इसमें बात ये भी होती है कि कुछ विकास ऐसे भी होंगे जो रह गए होंगे 15 सालों में, क्या लगता है कि सबसे बड़ी क्षेत्र की पंचायत की समस्या? विकास तो बचा नहीं, थोड़ा बहुत नजर से बचा हुआ है, वो भी जल्द पूरा होगा। जैसे क्या विकास के अभी क्या लगता है कि आपको भी इस पंचायत में अभी किस चीज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत है? कहीं कहीं लंबा रोड है जो आरियो से जुड़ना था नहीं जुड़ पाया है, उस काम को भी हमको देखना पड़ जाएगा, और छोटा छोटा काम को हम पूरा किया। तो इसका साफ कहना है कि छोटे छोटे काम जो भी हैं वो विकास के जो अधूरे रह गए थे वो पूरे किए जाएंगे। यहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप यहाँ पर हैं, मिनी देवी जी को समर्थन में अगर बात की जाए तो आखिर मिनी देवी जी को ही वोट आपको देंगे, क्या उम्मीद है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ तो इनमें सबसे बड़ा खासियत ये दिया है कि 15 साल जो हमारे मुखिया रहे हैं, तो इस मुखिया के दरमियान में पक्ष या विपक्ष कोई भी पक्ष से इनसे मिलता है तो उसको गले लगाते हैं, और इनका सबसे बड़ा मेरिट यही है। हम इनके विपक्ष में 10 साल लगातार रहे हैं। इधर भूषण बाबू जी हैं जुवास से, धीरादार से पंकज जी हैं, विपक्ष में रहते हुए इनका व्यवहार हमको जीत लिया, ठीक ना। और इतना बढ़िया जीता कि हमारा गांव बहादुरपुर पड़ता है, डुमरी पंचायत में ही है, तो हम लोग ये तय कर लिए कि व्यवहारिक मुखिया हमको होना है। अभी जो मुखिया अभी जीत भी नहीं पाए हैं तो दबंग मुखिया हमको नहीं चाहिए, हमको ऐसा मुखिया चाहिए जो डोर टू डोर सबसे मिलने वाला चाहिए। विकास तो इनके द्वारा हर गाँव में हुआ। विकास के तौर पर क्या लगता है आपको, कितना विकास हुआ? बिल्कुल विकास, जैसे हमारा छोटा बस्ती बहादुरपुर है, वहाँ का विकास भी जाके देख लीजिए, गली नली सड़क ये सब तो जो हुआ, मंदिर शिवाला तक विकास इनके द्वारा हुआ है। मंदिर शिवाला तक जी, हाँ जी। तो यहाँ पे लोगों का भी कहना है कि विकास के नाम पर बहुत कुछ हुआ है यहाँ पे, और भी लोग करेंगे। प्रत्याशी है, जनता के बीच जा रही हैं, आप लोग स्थानीय निवासी हैं, क्या लगता है कि जो विकास के दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं पिछली बार की तरह इस बार भी वो पूरे होंगे? बिल्कुल पूरा होगा। मैं तो 10 वर्ष विरोधी रहा हूँ, लेकिन इनके कार्यकलाप को देखते हुए इनका कार्यकलाप इतना सराहनीय रहा है 10 वर्षों में कि हमको झुकना पड़ा इनके आगे, और मैं आके समर्थन दे रहा हूँ। ऐसा ही मुखिया हो जी। शिक्षा और स्वास्थ्य अगर बात कर लें तो शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा जाएगा? शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर विकास के नाम पर क्या हुआ है? यहाँ तो ठीक ठाक है, स्कूल भी कुछ बना है जी, और शिक्षा और स्वास्थ्य में यहाँ हॉस्पिटल भी है, पूर्ण रूप से चालू है, और हम धीरादार से हैं, मेरा नाम पंकज कुमार है, और हम आपके चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं कि लोग यहाँ जो हमारे समाज में हैं मुखिया से बहुत कुछ अपेक्षा रखते हैं। मुखिया पर्सनल विकास लोग को क्या कर सकता है, एक सामूहिक विकास करने की मांग हमारे समाज में ख़त्म होते जा रहा है। मुखिया से लोग इच्छा रखता है कि कुछ मेरा पर्सनल विकास हो, वैसे लोग को हम लोग डिनाई कर रहे हैं, और ये जो हमारे मुखिया हैं और ये सामूहिक विकास करने पर ही भरोसा रखते हैं,
और हम लोग इनके साथ समर्थन पूरी तरीके से समर्थन है। इस बात पूरी तरीके से लगता है कि जनता का अपार समर्थन मिलेगा और जीत दर्ज होगी। भाई साहब आपके चैनल से हम ये बता दें कि 100% तो लोग बोलते हैं, हम लोग 1000 बोलते हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, क्या लगता है इस बार जो मुनि देवी अगर आप वोट देते हैं तो क्या उम्मीद लेके आप वोट देंगे? हमारा तो उम्मीद यही है कि जनता से ही, चाहे पक्ष रहे विपक्ष रहे, इनसे किसी का नुकसान नहीं होता है, सबके सामने जा करके एक समान व्यवहार रखते हैं। एक समान जहाँ तक विकास का बात है, इससे ज्यादा कोई करने वाला विकास नहीं है। सीधा सीधा लोगों का ये कहना है कि भाई विकास के नाम पे बहुत कुछ हुआ है और इस बार भी जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। और यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं हमारे साथ। क्या लगता है चाचा कि इस बार मुखिया प्रत्याशी के तौर पे जो जी डुमरी पक्ष के अध्यक्ष हैं, डुमरी प्रदेश के अध्यक्ष हैं आप जी, तो क्या क्या लगता है? बहुत संतुष्ट हैं जी, मुखिया से बहुत संतुष्ट हैं। और मुखिया ऐसा मृदुभाषी आदमी कोई नहीं, इसलिए मुखिया को हर वर्ग का समर्थन है, हर वर्ग का, हर एक वर्ग का समर्थन है। हाँ, हर एक वर्ग का, हर वर्ग का समर्थन। तो आप लोग इस बार? हाँ, हम पूरा की हम तो सब साथ में थे और फिर और रहेंगे, जो जीन जान लगा कर करके कोशिश करें। तो सीधा सीधा लोगों का यही कहना है कि इस बार भी जो विकास के जो वादे किए गए थे पिछली बार, वो भी पूरे किए गए हैं, और इस बार भी जो वादे लगातार किए जा रहे हैं वो भी पूरे किए जाएंगे। सर कितनी उम्मीदें हैं इस बार का मुख्य है? पूरा उम्मीद है कि अगली बार भी जीतवे करेंगे। हम लोग 15 साल से जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं, जीतने की बात तो ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है जो दावे और वादे किए जा रहे हैं पूरा हो गया? सब पूरा हो गया। हाँ, मतलब विकास की यहाँ जरूरत नहीं है? कोई जरूरत विकास की यहाँ कोई जरूरत नहीं है? हाँ, जरूरत है। और गाँव में, हमारे गाँव में जब हम बहादुरपुर का है, वहाँ अभी तत्काल विकास पूरा कर दिया, तत्काल विकास पूरा हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो कई लोग और भी हैं जो ये कहना चाहते हैं, अपनी बातें रखना चाहते हैं। क्या बोलिए? मिनी देवी जी मुख्य प्रत्याशी हैं। हाँ, इस बार उम्मीद जनता के तौर पे, आप स्थायी निवासी हैं, आप चीजों को देख रहे हैं, समस्याओं को देख रहे हैं, क्या लगता है इस बार भी अगर उनको अपार समर्थन मिलता है, वो बनती है मुखिया, तो सारी चीजें पूरी होंगी? पूरी होगी, पूरा हुआ भी है। 15 साल से ये है, कहीं भी कोई काम बचा हुआ नहीं है। आप जानते हैं कि हर 5 साल में पंचायत चुनाव होता है, तो काम तो कुछ न कुछ बढ़ते चलेगा। जो जहां थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो पूरा होगा इस बार। जैसे विकास के तौर पे अगर बात की जाए तो क्या बचा हुआ लगता है आपको, कि क्या रह गया जो अब होना चाहिए? ऐसा कुछ बचा हुआ है नहीं हम लोगों की नज़र में, लेकिन अगर थोड़ा बहुत गली नली अगर कहीं छूटा हुआ है, क्योंकि नया नया मकान बन रहा है तो वहाँ तो गली बनेगा, नली बनेगा, वहाँ जुड़ेगा। इस बार जब जीतेंगे तो वहाँ पूरा करेंगे। हर जगह कहीं ऐसा नहीं है, और ये ऐसा प्रत्याशी हैं, 15 साल से हैं, 24 घंटा में कभी भी कोई भी जनता अगर इनको कभी रात अध रात कभी बुलाएगा वहाँ प्रेजेंट होते हैं। जितना इनको सहयोग बनेगा उतना सहयोग करते हैं, खड़ा रहते हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। इस बार आप लोग पूरा सहयोग देने वाले? पूरा सहयोग दे रहे थे पहले भी, इस बार भी दे रहे हैं। तो सीधा सीधा यहाँ की जनता का कहना है कि पूरा सहयोग पहले भी था, अभी भी है। जनता का वो समस्याएं सुनती हैं, जनता की हर प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने की अपने स्तर पर कोशिश करती हैं, और लगातार जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करती हैं। सर क्या लगता है इस बार कि अगर देखा जाए तो समस्याएं कई हैं और विरोधी भी तौर पे खड़े हैं, ठीक है, तो अगर मुखिया प्रत्याशी की बात की जाए, 15 सालों में विकास की बात की जाए, तो विकास के तौर पे आपने कहा कि सब कुछ ठीक है। कोरोना की अगर बात की जाए, कोरोना काल से भी ये चीज़ें गुजरी हैं, तो कोरोना काल में कितना मदद मिला जनता को? देखिए, कोरोना काल में भी इनका जो रहा है रवैया इतना सुंदर रहा है कि गांव-गांव जा कर करके और सबको ये बता के, क्योंकि एक्चुअली है क्या कि डुमरी पंचायत में
ये प्रतापपुर में ही स्वास्थ्य केंद्र है, मुखिया जी के गांव में है, तो इनके गांव में ये कैंप लगवा कर करके गांव-गांव जा कर करके के सभी को, क्या वृद्धा क्या बच्चा क्या जवान, सबको इन्होंने सुई दिलवाया। ये कोरोना काल तो हुआ, इसके बाद ये मुखिया जी में सबसे बड़ा मेरिट क्या है, पक्ष विपक्ष कभी ये नहीं, कोई विपक्ष वाले भी बोलेंगे कि मुखिया जी हमारा काम नहीं किए, आप वोट दे या नहीं दे, देखिए हम भी इनका विपक्ष, पूर्व का जो शुरू का जो मुखिया का दौर था प्रथम बार, तब 5 साल इनके साथ रहे, 10 साल इनका हम विरोध भी किया, जमकर विरोध किए, लेकिन इनकी भावनाएं इतनी सुंदर थी कि इनका व्यवहार इतना हमको अच्छा लगा कि हम इनसे प्रेरित होकर के खींचे चले आए इनके। आपने कहा विरोध 10 साल तक आपने किया, विरोध की वजह? जी विरोध की वजह यह थी कि हम इनसे कहते रहते थे कि मुखिया जी कुछ सार्वजनिक विकास कीजिए, तो सार्वजनिक विकास पर इन्होंने ध्यान दिया और बहुत ज्यादा ध्यान दिया। मतलब 10 सालों तक नहीं दिया, 10 सालों के बाद 10 साल तक दिया, कुछ कुछ सार्वजनिक होता है ना विकास, उसमें थोड़ा त्रुटि था लेकिन उसको सुधार ही कर लिए, जिसके कारण हम जो है सो इनका ऋणी हो गए। तो सीधा कहना है लोगों का कि विकास के तौर पे जो भी है वो पूरा हुआ है, वादा जो भी उन्होंने किया था वादा किया था, व्यवहार जनता के प्रति काफ़ी ज़्यादा अच्छा कह रहे हैं लोग कि वो हर किसी की समस्या सुनती हैं, हर किसी की बातें सुनती हैं, और यहाँ पर लगातार लोग, आपने हमको रैली के माध्यम से भी आपको दिखाया था किस तरह से जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, और आप देख सकते हैं कि अभी भी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, यानी कि जनता काफी ज्यादा खुश है और वो चाहती है कि इस बार भी मुखिया प्रत्याशी के तौर पे मिनी देवी जो खड़ी हुई है वो जीत हासिल करें। और आपको यहाँ ये भी बता दें कि जो भी वादे उन्होंने किए थे, चाहे वो पिछले बार की हम बात कर लें चाहे इस बार की, जनता का यही मानना है जो भी वादे और दावे किए गए थे वो पूरे होंगे जैसे होते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं हमारे साथ जिनसे बातचीत हम करेंगे। सर, इस बार की मुखिया प्रत्याशी से क्या लगता है, क्या उम्मीद है? पूरा उम्मीद है, तो पहले भी पूरा काम पूरा हो चुका है, पूरा काम पूरा हो चुका, पूरा हो चुका है, सब कुछ आपके हिसाब से सही हो रहा है? सही हो रहा है टोटल। तो अगर देखा जाए तो इस बार जो उन्होंने वादा जनता से किया है वो आपको लगता है कि वो पूरा होगा? पर पिछले में पूरा सब हो गया, अब कोई जरूरत नहीं है, कुछ अगर होगा कि नया इच्छा तो बराबर जगते रहता है ना, बिल्कुल होगा। तो अब देख सकते हैं कि लगातार लोगों से सीधा सीधा लोगों का यही कहना है कि मुखिया प्रत्याशी के तौर पे मिनी देवी को इस बार किसी हालत में जिताना है। समर्थन आप देख सकते हैं कि समर्थन किस तरीके से मिल रहा है, और वो जो भी वादे और दावे करते आई हैं वो उन्हें पूरा किया है। आज भी जो वादे दावे उन्होंने किए हैं इस बार, वो भी जनता को विश्वास है कि वो पूरा होगा। आप देखते रहे एबी टीवी। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।